हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक वाटर कूलर, जिसे आज हम रिपेयर करेंगे। ब्लू स्टार का ये वाटर कूलर है दोस्तों। ये जो है लीकेज है, इसका कंप्रेसर लीकेज है। हम आपको दिखाएंगे किस जगह से ये लीकेज है और किस वजह से ये लीकेज हुआ है। तो हमें जो है इसके अंदर सबसे पहले प्रेशर डालना पड़ेगा, उसी की मदद से हम इसकी लीकेज को निकाल सकेंगे और आपको दिखा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर प्रेशर डालते हैं। ये देखिए, हमने प्रेशर डाल दिया है और आप देखिए किस तरह से ये लीकेज है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, झाग को किस तरह से उड़ा रहा है। टर्मिनल के पास से ये जो है लीकेज है और काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। और ये जो है कंप्रेसर हमारा अब नहीं चल पाएगा क्योंकि ज़्यादा लीकेज हो गया है। हम आपको देखे पास से दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर से ये लीकेज है और काफ़ी ज़्यादा लीकेज है, जो ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, आप भी इसे रिपेयर करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये जो है कामयाब नहीं होगा आपका। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर दूसरा कंप्रेसर लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। और देखिए, हमने कंप्रेसर लगा दिया है। हमने इसकी सफाई करने के बाद कूलिंग लाइन की, उसके बाद जो है सेक्शन लाइन हम लगा रहे हैं। अच्छे से ब्रेजिंग करेंगे, अच्छे से पाइप को नीचे को दबा के। दोस्तों, हम इसको टाका लगाने के बाद इसको जो है ठंडा करके उसके बाद प्रेशर डालेंगे इसके अंदर। देखिए, हम अच्छे से इसको ब्रेजिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, आधी वीडियो मत देखा करो, पूरी देखो। आधी वीडियो देखोगे आधी जानकारी मिलेगी, पूरी देखोगे तो पूरी ही जानकारी आपको मिलेगी। हमने इसके अंदर ठंडा करके कंप्रेसर को प्रेशर डाल दिया है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। देखिए, हम प्रेशर निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे। देखिए साथियों, हमारे पास ये वैक्यूम है, काफ़ी अच्छा हमारे पास ये वैक्यूम है, जिसकी मदद से हम इसको आज वैक्यूम करेंगे। बहुत ही जल्द ये वैक्यूम कर देता है, केवल 5 से 6 मिनट ही लेता है क्योंकि बहुत हैवी वैक्यूम है। दोस्तों, इसके अंदर जो है गैस चार्ज का भी ऑप्शन है, हम इससे गैस चार्ज भी कर सकते हैं। 2 गेज है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम इसको वैक्यूम करते हैं और आज आपके सामने जो है गैस भी चार्ज करके दिखाएंगे और कितने अच्छे से इसका आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी आप देखिए। हम इसको ऑन करते हैं। दोस्तों, हम इसको तकरीबन 10 मिनट वैक्यूम करेंगे, ठीक है साथियों। एक चीज़ का ध्यान रहे, आपकी चार्जिंग लाइन कहीं से लूज ना हो क्योंकि वो वहाँ को जो है सांस लेती रहती है। तो चार्जिंग लाइन आपकी सही से हो, उसके अंदर रबड़ वगैरह सही से होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और अभी हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं साथियों, आप देख रहे हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस डालेंगे, ठीक है साथियों। देखिए, वैक्यूम हो चुका है तकरीबन, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है गैस डालेंगे। तो साथियों, हम जो है ये R22 की कैन है हमारे पास, यही हम इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे। हम पहले बंद कंप्रेसर के अंदर गैस डालते हैं, उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। देखिए, गैस जा रही है, उसके बाद हमने आपको दिखाया है मीटर में, मीटर गेज के अंदर तकरीबन 20 पाउंड इसके अंदर गैस जा चुकी है और अब इसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए साथियों, आपके सामने जो है सक्शन लाइन पे कितनी आइस आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। ये बर्फ़ क्यों आई है आप देख सकते हो, ये इसलिए आई है क्योंकि इसके अंदर जो है पानी नहीं है। ये जो है बिना पानी के वाटर कूलर जो है हमारा चला हुआ है और उसी के वजह से ये जो है आइस आई हुई है। एम्पियर की बात करूँ तो एम्पियर आप देख सकते हैं तकरीबन 4.5 से 5 एम्पियर इसके हैं, आपके सामने हैं। और गैस आपको दिखा दूँ तो केवल और केवल 20 से 22 पाउंड है, ठीक है, 20 से 22 PSI है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। तो साथियों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको पीछे जो कंडेंसर लगा हुआ है वो भी बिल्कुल आपका क्लियर अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसकी जो है सर्विस कर लेनी है आपको, क्योंकि ये जो है अच्छे से साफ़ रहेगा आपको तभी रिजल्ट मिलेगा। हम आपको अब रिजल्ट दिखाते हैं। दोस्तों, आपको इसको गर्म भी देखना है, पूरा होना चाहिए, उसके बाद आपको मैं अब कूलिंग दिखाता हूँ कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। केवल 20 से 22 पाउंड हमने इसके अंदर गैस किए और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर जो है
आपके सामने कूलिंग आ रही है, किस तरह से इसके अंदर भाप उठी हुई है, और साइड में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बर्फ़ आई हुई है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटे वाला बटन भी आप जो है प्रेस कर ऑल पर कर दें। अब हम इसको फिट करेंगे जहां से हमारे पास आया हुआ था, ये नगर पालिका से हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था और हमने इसको फिट कर दिया है, और इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितने अच्छे से इसके ऊपर मॉइस्चर आया हुआ है इसकी टंकियों के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।